सागर सकल गुण निधानम। हनुमान जी सब गुणों में संपन्न है। हनुमान का अर्थ ये महाराज जी कल बता नहीं पाए, आज हम बता दें। हनुमान कथा में हनुमान का मतलब है जो अपने मान का हनन कर दे वही तो हनुमान है। जिसे न मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न स्वाभिमान न अपमान, जिसे सिर्फ श्री राम प्रिय हो, उन्हीं का नाम हनुमान। तो हनुमान जी गुण सागर है। और एक बात और, जो गुणों से संपन्न होता है उसे सर्वोच्च पद प्राप्त होता है, सर्वोच्च। राम जी जब लंका से वापस आए रावण का वध करके, सब बानरों को पद दिया, सुग्रीव जी को राजा बनाया, विभीषण जी को भी राजा बनाया, खुद भी राजा बने, हनुमान जी को कुछ नहीं। तो किसी ने पूछा कि हनुमान जी देखो भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, बाकी लोगों से प्रेम करते हैं, तो किसी को कहीं का राज दे दिया, किसी को एक राजा बना दिया, विभीषण जी को एक राज्य का, एक राजा बना दिया सुग्रीव जी को, तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, बल्कि तुमने काम भी ज्यादा किया। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, सज्जनता देखना। हनुमान जी उन सज्जन से बोले, सबको तो एक एक पद मिला है, हमें तो प्रभु ने अपने दोनों चरण कमल पद की सेवा दे दी है, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब आगे पढ़े, जय कपीस, इसी पर सुनिए, जय कपीस पर। कपीस का मतलब वानरों के स्वामी, वानराराम, वानरों के राजा कपीस, कपी माने बंदर, बंदर के स्वामी, बंदर के ईस कपीस। तो गोस्वामी जी सुंदर हनुमान चालीसा में लिखते हैं, जय कपीस। कपीस कब बने हनुमान जी? कपीस भी अयोध्या में राम जी जब राजा बने तब बने। सब बानरों को, किसी विभीषण जी को राज, सुग्रीव जी को राज, राम जी जैसे ही राजा बने तो सब बानरों से बोले जाओ अपने अपने घर को। तो सब बानर जाने लगे, पर सुग्रीव जी ने कहा महाराज सबको तो कह दिया जाने को, हनुमान जी को नहीं कहा। राम जी बोले इनके घर ही नहीं है, अब इनका कोई ठिकाना हो तो कहें कि तुम भी जाओ, इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, इनका तो एक ही ठिकाना है। तब तक हनुमान जी बोल पड़े, प्रभु क्षमा करना, आप कहते कोई ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना तो राम चरणों का ही ठिकाना है। और जहां इतना कहा तो पहले सुग्रीव जी राजा थे, इतना सुनते ही सुग्रीव जी ने कह दिया, या कुछ भी कहो, हम लोग बड़भागी हैं कि हमें राम जी के दर्शन मिले हैं, लेकिन हनुमान जैसे बड़भागी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को राम जी के दर्शन भी मिले और राम जी के चरणों की सेवा भी मिली।